बहुत अच्छा लगा ताली बजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मेरी कविता सुनने के बाद आप लोग बजाते कि नहीं बजाते, इसलिए मैंने बजा दिया। देखिए विशाखापट्टनम में तो नया साल बहुत ही सुहाना होता है, बस दो चार महीने ही होते हैं यहाँ पे जो बहुत अच्छे से हम लोग गुजारते हैं। और समझिए यदि इन महीनों में बरसात हो तो कैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा रहता है। उसी पर दो पंक्ति लिखी, उसको बताना चाहती हूँ। इस भींगी भींगी बरसात में, इस भींगी भींगी बरसात में, देखिए प्यार की कविता प्यार से सुनिए, ऐसा सीरियस सुन रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है कि मैं गलत तो नहीं हूँ। अच्छी बात कर रही हैं आप, इसे सीरियसली सुन रहे हैं। इस भींगी भींगी बरसात में लेकर हाथों को हाथ में, इस भींगी भींगी बरसात में लेकर हाथों को हाथ में, चल जाता मेरा तन बदन। देखिए मैं श्रृंगार रस पे कविताएं बहुत कम लिखती हूँ, बहुत मुश्किल से लिखी हूँ, थोड़ा अच्छे से सुनिए। भींगी भींगी बरसात में लेकर हाथों को हाथ में, जल जाता मेरा तन बदन जब देखती हूँ पति को पड़ोसन के साथ में। अब तो समझ सकते हैं मेरे अंदर में धैर्य कितना अधिक है। इसी बात को जब मैं अपने पति से बोलती हूँ तो मैं किन शब्दों में उनसे बोली उसको सुनिए। मैं उनको बोली, महक उठा मेरा तन बदन, महक उठा मेरा तन बदन, महक उठा मेरा तन बदन तेरे प्रेम प्यार के चंदन से, महक उठा मेरा तन बदन तेरे प्रेम प्यार के चंदन से। मैं तो मन में बंध गई हूँ, मैं तो मन में बंध गई हूँ सात जन्मों के बंधन से, तुम इस बंधन के भाव को, तुम इस बंधन के भाव को मिटाए जा रहे हो, तुम इस बंधन के भाव को मिटाए जा रहे हो, स्वीट इंडिया का पानी पूरी समझकर एक पर एक खाए जा रहे हो। ये तो बातें हुई पति की, अब मैं आप लोग को बहुत मजेदार बात बताने वाली हूँ। वो बातें हैं आप लोगों ने बहुत जगह सुनी होगी, पत्नी प्रेमिका बीबी टीबी, इस आधार पर मैं दो शब्द लिखने की कोशिश की हूँ, जरूरत की हूँ बोल सकते हैं इसको, पति और बॉयफ्रेंड में क्या अंतर है मैं इस चीज को बताना चाहती हूँ। यदि पति रहता है, पति और बॉयफ्रेंड में क्या अंतर है, पति जो है यदि मान लीजिए मैं कोई बात बोलती हूँ तो जो बॉयफ्रेंड है दोनों कानों से प्रेम से सुनता है और मुंह से उतने ही प्रेम से निकालता है, और यदि पति रहे तो एक कान से सुनता है दूसरी कान से निकाल देता है। बॉयफ्रेंड यदि गाने का मूड हो, यदि गाने का मूड हो तो बॉयफ्रेंड कौन सा गाना गाएगा, चौधवी का चांद हो तुम। देखिए मैं गाना गाती नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी गायिका हूँ इसलिए मैं कहीं गाती नहीं हूँ, कम से कम मेरे गाने पे तो ताली बजाइए। चलिए मुझे पता चल गया कि यहाँ दर्शक मंझे हैं, गायिका कैसे मेरे ताली बजा देंगे। बॉयफ्रेंड कौन सा गाना गाएगा, चौधवी का चांद हो तुम या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और यदि पति को गाना पड़े तो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसी बातें हो जाती है। एक और यदि मान लीजिए बॉयफ्रेंड जो होता है कई सहेलियों के माध्यम से मुझ तक पहुंचता है और पति मेरे माध्यम से मेरे सहेलियों तक पहुंचता है। ये तो है पति और बॉयफ्रेंड की बात। चलिए मैं आपको एक मजेदार अपने दोस्त की बात बताती हूँ। ये जो मेरा दोस्त है उसका नाम है सुखदेव प्रसाद, हो सकता है आप लोगों में भी बहुत सारे सुखदेव प्रसाद बैठे होंगे। वो मेरा दोस्त जो है ना थोड़ा अलग तरह का है। मेरा एक दोस्त है सुखदेव प्रसाद, समझौता का नाम नहीं, समझौता का नाम नहीं लगता है खूंखार। आते जाते रास्ते में, आते जाते रास्ते में हुई एक दिन मुलाकात, पूछ ही ली मैंने उससे अपने दिल की बात। क्या यार सुखदेव दिन भर हो शेर से दहाड़ते, क्या यार सुखदेव दिन भर हो शेर से दहाड़ते,
क्या हो जाता शेर को घर में पधारते, क्या हो जाता शेर को घर में पधारते। सुखदेव बोला राज को खोला, सुखदेव बोला राज को खोला, ओहो शेर की शक्ति पे है संदेह जा रहा, इतनी छोटी सी बात तेरे भेजा में नहीं समा रहा। शेर तो शेर है, शेर तो शेर है, समझो मेरे यार, घर जाते ही बस देवी माँ हो जाती है सवार, देवी माँ हो जाती है सवार। खैर अभी ये तो बस केवल ऊपर से हंसना चल रहा है, दिल्ली की घटना हो, गुजरात की घटना हो या राजस्थान की घटना हो, भले कोई घटनाएं बाहर आ चुकी है, कोई घटनाएं अंदर दब चुकी हैं, हम लोग सभी जानते हैं इस चीज को, बहुत दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। आज भी अपनी आंखें बंद करूं तो निश्चित रूप से नैनों से नीर बहने ही लग जाते हैं, यदि ध्यान से उस पर सोचे तो। उस संदर्भ में दो पंक्ति लिखने की कोशिश की हूँ, उसको बताना चाहती हूँ। देखिए किसी भी लड़की के जीवन में सबसे बड़ी खुशी होती है उसका माँ बनना, और सबसे बड़ा दुख उसका बांझ कहलाना, या सबसे बड़ी गाली उसका बांझ कहलाना। इस पे लिखी हूँ, कर रही हुंकार, कर रही हुंकार आज भारत माता, कर रही हुंकार आज भारत माता, मुझे बांझन बना दो, मुझे बांझन बना दो ए विश्व विधाता। कर रही हुंकार आज भारत माता, मुझे बांझन बना दो ए विश्व विधाता। माँ बनकर मैं तो, माँ बनकर मैं तो बन गई थी पूरी नारी, माँ बनकर मैं तो बन गई थी पूरी नारी, भर गया था दामन खुशियों से, भर गया था दामन खुशियों से, देख बेटा बेटी की किलकारी, भर गया था दामन खुशियों से, देख बेटा बेटी की किलकारी। आज आज कोख में बेटी, आज मेरी कोख में बेटी कर रही गुहार, आज मेरी कोख से बेटी कर रही गुहार, मत लाओ माँ धरती पर, मत लाओ माँ धरती पर, मत करो मुझ पर अत्याचार, मत लाओ माँ धरती पर, मत लाओ माँ धरती पर, मत करो मुझ पर अत्याचार। यहाँ कोई नहीं देखता, यहाँ कोई नहीं देखता श्रद्धा सेवा सच्चा मन, यहाँ कोई नहीं देखता सेवा श्रद्धा सच्चा मन, सभी निहारते हैं माँ, सभी घूरते हैं माँ, बस मेरा गदरा या यौवन, बस मेरा गदरा या यौवन। गिद्ध चील नोच नोच कर, गिद्ध चील नोच नोच कर तेरी बेटी को खा जाएंगे, गिद्ध चील नोच नोच कर तेरी बेटी को खा जाएंगे, इसीलिए मेरी बेटी की लाज बचाने से पहले, मेरी बेटी की लाज उड़ने से लुटने से पहले उसको तुम बचा लो, हे परमपिता परमात्मा मुझे बांझन बना दो, हे परमपिता परमात्मा मुझे बांझन बना दो। भारत माता कहती है, नहीं जनूंगी कुपूत ऐसा, नहीं जनूंगी कुपूत ऐसा जो वंश का नाम डुबा दे, नहीं जनूंगी कपूत ऐसा जो वंश का नाम डुबा दे, मेरी विश्व विजयी संस्कृति को, मेरी विश्व विजयी संस्कृति पर वो कर्म का धब्बा लगा दे। नहीं जनूंगी कपूत ऐसा, नहीं जनूंगी कपूत ऐसा जो मेरे वंश का नाम डुबो दे, मेरी विश्व विजयी संस्कृति पर कुकर्म का धब्बा लगा दे। राम कृष्ण की पावन भूमि को, राम कृष्ण की पावन भूमि को गंदा होने से पहले बचा दो, राम कृष्ण की पावन भूमि को गंदा होने से पहले बचा दो, हे परम पिता परमात्मा मुझे बांझन बना दो, मुझे बांझन बना दो। बस वाला बोलो ना, बस वाला।